चैप्टर 13 गुड हैबिट्स मीन्स अच्छी आदतें। वाइल ईटिंग खाने के दौरान हमें क्या क्या अच्छी आदतें फॉलो करनी चाहिए। यूज़ आवर ओन प्लेट इन ग्लास, हमें अपनी ही प्लेट और अपना ही ग्लास यूज़ करना चाहिए। डू नॉट स्टफ योर माउथ, चीव योर फूड स्लोली। डू नॉट स्टफ योर माउथ ने कुछ भी अपने मुंह में नहीं रखना चाहिए। डू नॉट स्टफ यानी कुछ कठोर सी चीज़। चीव योर फूड स्लोली, अपने खाने को अच्छे अच्छे से च्यू करके अच्छे से चबा कर खाना चाहिए। च्यू विथ योर माउथ क्लोज्ड, और जब भी हम च्यू करें यानी चबाएं तो हमारे माउथ को यानी मुंह को बंद रखना चाहिए। डू नॉट टॉक वाइल ईटिंग, खाने के दौरान बात नहीं करना चाहिए। डू नॉट ड्रॉप योर फूड ऑल ओवर, और खाने को इधर उधर नहीं गिराना चाहिए। कीप फ्लाइज अवे फ्रॉम योर फूड, फ्लाइज अवे फ्रॉम योर फूड, और हमेशा जो ये इंसेक्ट्स होते हैं, फ्लाइज होती हैं, इनको हमारे खाने से हमेशा दूर रखना चाहिए, हमारे खाने को ढक कर रखना चाहिए। गुड हैबिट्स हेल्प अस टू स्टे एंड क्लीन हेल्दी, और अच्छी आदतों से हम क्लीन अच्छे क्लीन बने रहते हैं और हेल्दी बने रहते हैं। एट होम हाउ टू कीप योर हाउस क्लीन, अपने घर को साफ रखने में मदद करना चाहिए। कीप योर टॉयज इन प्लेस, कीप योर बुक्स इन प्लेस, हमारे टॉयज़ को और हमारी बुक्स को सही जगह पर रखना चाहिए हमेशा। इन द टॉयलेट गो टू द टॉयलेट रेगुलरली, टॉयलेट्स में हमें रेगुलर जाना चाहिए। फ्लश द टॉयलेट आफ्टर यूजिंग, और टॉयलेट यूज़ करने के बाद हमें फ्लश करना चाहिए। देन वॉश योर हैंड एंड डू नॉट वेस्ट वाटर, और हाथों को धोना चाहिए और पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। गॉट इट। यूज़ योर हैंकी व्हेन यू स्नीज योर कफ, और जब भी हमें छींक आए और हमें खांसी आए तो हम हैंकी को यूज़ करना चाहिए, रुमाल को यूज़ करना चाहिए। नेवर बाइट योर नेल्स, और अपने नाखूनों को कभी नहीं खाना चाहिए, ये एक बैड हैबिट होती है। देन रबिश, थ्रो रबिश ओनली इन द डस्टबिन, और जो भी कचरा है उसी को डस्टबिन में डालना चाहिए, रबिश थिंग यानी बेकार चीज़ों को। नाउ यू नो दैट वी मस्ट हैव गुड हैबिट्स टू क्लीन हेल्दी एंड वेल्दी, और अब हमें ये पता चल गया है कि हमें अच्छे रहने के लिए साफ अच्छी आदतों में टू कीप क्लीन एंड हेल्दी एंड हैप्पी, और सफाई रखने से हम हेल्दी रहते हैं और खुश रहते हैं। टॉक अबाउट द पिक्चर एंड पुट क्रॉस ऑन द बैड हैबिट, दिस इज अ बैड हैबिट अ गुड हैबिट, हेल्प कर रही हैं क्लीन करने में, पर इनका नल का फ्लो यानी वाटर का फ्लो ज़्यादा है तो ये रॉन्ग है। कम फ्लो, पानी को कम वेस्ट करना चाहिए, ये रॉन्ग है। मामा को सॉरी बोल रहा है, तो ये राइट है। कर्टेन से अपने आप को पहुँचना इज अ रॉन्ग हैबिट, हमें अपने स्नीज या कफिंग के टाइम हैंकी यूज़ करना चाहिए, कर्टेंस को यूज़ नहीं करना चाहिए। प्रॉपरली शूज़ को रख रहे हैं तो इज अ गुड हैबिट। अपने ग्रैंड फादर्स मदर्स की मदद करना इज अ गुड हैबिट, दिस इज़ अ बैड हैबिट। वेस्ट वाटर वेस्ट हो रहा है, बुक्स को सही जगह पे रख रहे हैं तो इज़ अ गुड हैबिट। प्लेइंग इज अ नो, बट ये फ्लावर्स को कुचल रहे हैं, ये राइट हैबिट थी, है ना। ये वॉश करके क्लीनिंग में अपने घर में मदद कर रही, दे आर हेल्पिंग टू वॉशिंग द यूटेंसिल्स। ओके, इज दिस गुड हैबिट ईटिंग फूड, तो ये मुंह खोल के खा रहे हैं तो इट्स नॉट अ गुड हैबिट। च्यू करते समय हमें अपना मुंह बंद रखना चाहिए, और ये कचरा यानी डस्टबिन में नहीं फेंक कर बाहर फेंक रहे हैं तो इट्स अ रॉन्ग हैबिट, और हमें फ्लश करना चाहिए तो इट्स अ राइट हैबिट। ओके, टर्न द पेज। Did you know this little insect like to live in dirty hair? They make the head itch. They can make you sick. जो ये little insect है इसको हम leaf बोलते हैं, तो ये गंदे बालों में रहती है और ये हमें बीमार कर सकती है। It is not a good to wear high heels. They can spoil the shape of your feet. They can also make you back pain. और हील्स पहनना बच्चों के लिए इज़ नॉट अ गुड, ये हमारी बॉडी शेप को बिगाड़ते हैं और हमें बैक पेन भी हो सकता है। ड्रिंकिंग योर डर्टी वाटर कैन मेक यू सिक, और गंदा पानी पीने से हम बीमार हो सकते हैं। सो मैनी पीपल बॉइल द वाटर, दे लेट इट कूल, देन इट इज़ सेफ टू ड्रिंक, और वो पानी को गर्म करते हैं और उसको साफ करके पीते हैं। गॉट इट। नाउ जस्ट फॉर फन, बट टाइम दिस चिल्ड्रन बाथ इन डिफरेंट प्लेसेस, री अरेंज द लेटर टू फाइंड आउट वॉट दे आर सेइंग। आई बाथ इन, तो ये वर्ड्स को इस तरीके से लिखा है, हमें अरेंज री अरेंज करना है इनको।
ओके, तो इट्स अ रिवर। आई बाथ इन अ बकेट इन मग, आई बाथ इन स्प्रिंग, आई बाथ इन टब, आई बाथ अंडर अ शावर, गॉट इट?